हेलो एवरीवन, दिस इज सुभाष। वेलकम टू आवर चैनल आईटीआई फिटर ज्ञान। स्टूडेंट, जो मैं वीडियो आज आपके लेके आया हूँ वो है वॉइस के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, उनके पार्ट्स के नाम क्या होते हैं और उसके स्पिंडल में कौन सी थ्रेड कटी होती है। जैसा कि अभी आप हमारे पास देख पा रहे हो, तीन वॉइस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। ये है हमारी बेंच वॉइस, ठीक है। बेंच वाइज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको बेंच पर नट बोल्ट की सहायता से टाइट करते हैं और ये वाइस हमारी एक जगह पे फिक्स होती है। जो ट्रेनीज होता है, जो वर्कर होता है, जो ऑपरेटर होता है, फाइलिंग करने के लिए खुद बेंच वाइस पे उसको आना पड़ता है। आप ये देख पा रहे हैं, ये है हमारी मशीन वाइस। मशीन वाइस को हम कहीं पे भी पोर्ट कर सकते हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अगर हमें मिलिंग करनी है, अपने जॉब पे शेपिंग करनी है या ड्रिलिंग करनी है, तो इस पे जॉब को बांधकर हम उस मशीन के पास ले जा सकते हैं। आगे देखिए, ये जो वाइस अभी आपको दिखाई दे रही है, ये है हमारी लेग वाइस। लेग वाइस का आप देख पा रहे हैं, इसका काम हम फोर्जिंग और ब्लैक स्मिथी के काम में करते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं, बेंच वाइज और मशीन वाइज इसके जबड़े देखिए पैरेलल में खुलते हैं, समानांतर में खुलते हैं। बट जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लेग वाइज, तो लेग वाइज की जब भी हम बात करेंगे ये एंगल में खुलेंगे। ये आप देख पा रहे हो, ये ऐसे पूरा एंगल में खुलेगा। अब आप आइए, आपको पाइप वाइज के बारे में बताना चाहते हैं। अब कई बार हमारे पास जॉब ऐसे होते हैं जैसे पाइप पर थ्रेडिंग करनी है, इंटरनल थ्रेड करना है, आउटर थ्रेड करना है, तो ऐसे पाइप को बांधने के लिए हम ये वाइस का प्रयोग करेंगे। आप देख पा रहे हो, ये हमारी पाइप वाइस। अब ये देखिए, इसके जो जबड़े हैं इसमें एक ये फिक्स है, ये मूवेबल है और इसमें वर्टिकल खुलता है। मैंने आपको बेंच और मशीन वाइस में बताया था पैरेलल खुलेगा, इसमें वर्टिकल खुलेगा और लेग वाइस में एंगुलर में खुलेगा। अब आइए चलते हैं बेंच वाइस पे और आपको बताते हैं कि बेंच वाइस के सभी पार्ट्स के नाम क्या होते हैं, किस मटेरियल का बना होता है, इसके बारे में बताते हैं। अब आप देखिए, ये बेंच वाइस आप देख पा रहे हो, जनरली मार्केट में जो बेंच वाइस होती है वो 75 से 100 mm तक अवेलेबल होती है। इसके पूरे मैं मटेरियल की बात मैं बताना चाहता हूँ कि पूरा मटेरियल इसका कास्ट आयरन का बना होता है। अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो जो वाइस होती है ये हमारे जबड़ों की प्लेट की चौड़ाई के अकॉर्डिंग मिलती है, ठीक है। अब पूरा मटेरियल हमारा कास्ट आयरन का होता है, लेकिन जो आगे ये खुदड़ा हुआ सरफेस आपको दिखाई दे रहा है जिसको बोलते हैं जॉ प्लेट, ये हमारा हार्ड की हुई स्टील या टूल स्टील की बनाई जाती है। ये हमारा फिक्स जबड़ा है, ये नहीं मूव करता है। जब हम अपने स्पिंडल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करते हैं तो हमारा जो मूवेबल जबड़ा है, चलित जबड़ा है, वही हमारा आगे पीछे मूव करता है। ये इसका हैंडल होगा, माइल्ड स्टील का बना होता है। सर थोड़ा नीचे से दिखाइएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा ये स्पिंडल है। अगर स्टूडेंट आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, स्पिंडल है, ठीक है। इस स्पिंडल पे आपको थ्रेड कटी हुई दिखाई दे रही होगी। अभी ये जो सेम थ्रेड है, इस ये हमारी स्क्वायर थ्रेड होती है और एक्मी थ्रेड होती है। तो कई बार आपको ऑप्शन में अगर आपको एक्मी दिखाई दे रहा है तो आप एक्मी भी आंसर में लगा सकते हो, अगर आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो आप स्क्वायर भी लगा सकते हैं। कई बार एंगल पूछ लिया जाता है, तो आपको पता है स्क्वायर थ्रेड का एंगल 45 डिग्रीज होता है, सॉरी मैं माफी चाहूंगा 90 डिग्रीज होता है, जबकि एक्मी का 29 डिग्रीज होता है। ये कोई भी आप वाइस की बात कर लें, सब में वही ये चूड़ी देखिए, अब लेग वाइस में देखिए वही थ्रेड है, इधर हैंड वाइस में भी वही थ्रेड है। अब ये जो मूवेबल जबड़ा है इसमें नीचे की तरफ एक गाइड नट होता है, उस गाइड नट से होकर हमारा स्प्रिंग और वॉशर होता है। तो जब हम किसी जॉब को टाइट करते हैं तो फाइलिंग करते समय अगर हम स्प्रिंग वॉशर का यूज नहीं करेंगे तो हमारा मूवेबल जबड़ा ओपन हो जाएगा और हमारा जॉब नीचे गिर जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो गाइड नट से होकर जो हमारा स्प्रिंग और वॉशर लगा होता है वो हमारे जॉब को बांधे रखता है, उसको टाइट रखता है। तो स्टूडेंट, ये वीडियो थी हमारी वाइस के ऊपर। मैंने आज आपको बताया है कि बेंच वाइस का प्रिंसिपल क्या होता है, मटेरियल कौन सा होता है और टाइप्स ऑफ वाइस, ठीक है। और मैं आपको एक और बता दूं, जो बेंच वाइस है ये हमारी सरफेस से नियर अबाउट 3.5 फीट ऊपर बांधा जाता है। तो स्टूडेंट, ये वीडियो था वाइस को लेके, ये वीडियो था वॉइस को लेकर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इफ़ यू लाइक अवर वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।